क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय परिसर में क्षेत्रीय प्रबंधक डीवी सिंह के माध्यम से आयोजित हुआ। मंगलवार को अग्निहोत्र विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। अग्निहोत्र 5 अस्त्र साधनों का मार्ग है, जिसमें यज्ञ, दान, तप, कर्म और स्वास्थ्य सम्मिलित है। यज्ञ वायुमंडल की शुद्धि का साधन है। दान प्रेम का साम्यवाद है, जो हमें आसक्ति रहित बनाता है। तप से शरीर, मन व बुद्धि की पवित्रता व दृढ़ता प्राप्त होती है। कर्म जैसी करनी वैसी भरनी का नियम है और आत्मशुद्धि का साधन है। स्वास्थ्य मुक्ति का साधन है। अग्निहोत्र सूर्योदय के पूर्व और सूर्यास्त के एक निश्चित समय पर किया जाता है। अग्निहोत्र करने से मनुष्य की सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। इस दौरान मुख्य अतिथि ननली माधव, विजया माधव, सुधीर श्रीवास्तव, मुकेश कुमार, आर बी सिंह, के तिवारी, आर के विश्वकर्मा, अजय कुमार, कैलाश प्रसाद, महेश राय, जयप्रकाश दुबे, अजीत कुमार, के सी श्रीवास्तव, मुकेश कुमार सहित क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय के अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। घोल करके हमारे ध्यान कर लिया और इसका छिड़काव जमीन पर करवाई, पूरी छिड़काव। और जो बीज हमने बोया उसमें भी माने और घी चावल जमीन वो भूमि थी, उसकी टेस्टिंग कराता रहा, देखता रहा, तो देखा तो यहाँ और करते करते मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिलने लगा और धीरे धीरे आगे चल करके इतनी बढ़िया टमाटर हो, लौकी हो, बैगन हो, आलू हो। और डायरेक्टर जनरल उस समय आई सी आर के डॉक्टर मनोहर राय हमारे विश्वविद्यालय में कार्य कर चुके थे, मैंने उसे कंटेक्ट किया, अभी जाती थी और गाय में ये ताकत थी, गोबर और मूत्र में ये ताकत थी, तो उसको सारी समस्याओं से निजात कैसे पाया जा सकता है, ये हमारे कहने का मतलब ये है। अग्निहोत्र करने के बाद जीवन से संबंधित किसी भी समस्या का आपका जो आप विकल्प ढूंढते हैं चारों तरफ, इस अग्निहोत्र करने के बाद आपको जीवन से संबंधित सभी समस्याओं का आपको सुलझाने के लिए इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुख्य बात यह है कि आपकी जो मानसिक स्थिति है वो सकारात्मक होने लगी। नकारात्मक या कोई ऐसी निगेटिव स्थिति में भी आप पॉजिटिव बने रहेंगे, ये अग्निहोत्र ये काम करता है।